गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साइटोकाइनिन एक ऐसे वृद्धि पदार्थ हैं जो कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं और दीर्घण व वृद्धि पर हालांकि इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, तो इसीलिए अपन आज इनकी डिस्कवरी और इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन इनकी डिस्कवरी देखते हैं। तो 1913 में जी हेवरलैंड नामक एक ऑस्ट्रेलियन पादप कार्य के वैज्ञानिक थे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि फ्लोएम ऊतकों में एक ऐसा घुलनशील पदार्थ पाया जाता है जो क्षतिग्रस्त आलू की पेरेन्काइमी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन को तेज कर सकता है। इन पदार्थों को साइटोकाइनिन कहा गया। इसके बाद 1940 में जे वान ओवरबीक और उनके सहयोगियों ने नारियल के पानी में साइटोकाइनिन की उपस्थिति को बताया। 1950 में एफ सी स्टीवार्ड और उनके सहयोगियों ने बताया कि अन्य पौधों के जो लिक्विड एंडोस्पर्म होते हैं उनमें भी इसी प्रकार के कुछ यौगिक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो स्टीवार्ड है, स्कूक व मिलर ने हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए से एक पदार्थ की खोज की। ये पदार्थ टोबैको पिथ कल्चर में सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं। इन्हें काइनेटिन नाम दिया गया। काइनेटिन जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पादपों में नहीं पाए जाते। काइनेटिन उन्हें 6-परफ्यूरल अमीनो प्यूरिन भी कहा जाता है। ये सबसे पहले खोजे गए साइटोकाइनिन है। डी एस लीथम व कार्लोस ओ मिलर ने मक्के के भ्रूणपोष से एक साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया था, उसे जियाटिन नाम दिया गया। जो नारियल का दूध होता है कोकोनट मिल्क और ईस्ट एक्सट्रैक्ट में भी साइटोकाइनिन पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन्स दरअसल होते क्या है? सभी साइटोकाइनिन्स जो एडेनिन क्षारक होते हैं, जो अपन डीएनए में देखते हैं, चार प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, तो उनमें जो एडेनिन क्षारक होते हैं उनके ही व्युत्पन्न होते हैं साइटोकाइनिन्स। अब अपन इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। इनका निर्माण कहाँ होता है? ये जो होते हैं ये रूट एपेक्स में जो मूल शीर्ष होते हैं उनमें संश्लेषित होते हैं और जाइलम के द्वारा जड़ में बनने के बाद ये वहां से जाइलम के द्वारा स्तंभ में स्थानांतरित होते हैं। जब स्तंभ क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उससे जो रस निकलते हैं इस क्षतिग्रस्त भागों से उनमें भी साइटोकाइनिन पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट देखें अपन इनका, तो इनका स्थानांतरण ध्रुवीय होता है, मतलब जड़ों से तने की तरफ होता है। बायोसिंथेसिस कैसे होता है इनका? इनका जो बायोसिंथेसिस या निर्माण होता है वो उन्हीं मेटाबॉलिक पाथवेज के द्वारा होता है जिनसे कि एडिनिन और दूसरे प्यूरिन्स का निर्माण होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं अपन। सबसे पहला इसका मुख्य फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कोशिका विभाजन में बढ़ोतरी को प्रेरित करना। तो कोशिका विभाजन में इनका क्या रोल है? ऑक्सिन की उपस्थिति में सभी साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं जिसके कारण पेरेन्काइमी कोशिकाओं के प्रोलिफरेशन से कैलस की वृद्धि होती है। साइटोकाइनिन का विभाजन पर प्रभाव ट्रीटेड सेल्स के विभेदन की प्रावस्था पर निर्भर करता है। अविभाजित विभेदित कोशिकाओं में साइटोकाइनिन सेल प्रोलिफरेशन को प्रारंभ करती है, जबकि तीव्र गति से विभाजित मेरिस्टमेटिक कोशिकाओं में यह विभाजन को संदमित करती है। दूसरा जो है वो है कोशिका दीर्घण या सेल एनलार्जमेंट में। कोशिका विभाजन के अतिरिक्त साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिकाओं के दीर्घण को भी प्रेरित करता है। वो कैसे? जो पूरी तरीके से विस्तारित पत्ती होती हैं उनसे लिए गए टुकड़ों की कोशिकाएं साइटोकाइनिन के प्रभाव से दीर्घित हो जाती हैं। साइटोकाइनिन जो होते हैं वो लीफ ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होते हैं। यदि रूट एपेक्स जो साइटोकाइनिन के बायोसिंथेसिस के सेंटर होते हैं यदि उन्हें काट दिया जाए
अपन देखेंगे कि जो बीज पत्र होते हैं और जो लीव्स होती हैं वो एक्सपेंड नहीं हो पाती हैं, क्योंकि रूट एपेक्स में ही साइटोकाइनिन बनता है। अब अपन इसके लिए क्या करें, यदि पत्तियों पर साइटोकाइनिन को बाहर से लगा दें, क्योंकि रूट एपेक्स से अपन ने काट दिया है तो उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, यदि बाहर से लगा दिया जाए, एक्सोजीनस एप्लीकेशन कर दिया जाए, तो पर्ण विस्तार के लिए, लीफ के एक्सपेंशन के लिए मूल शीर्ष की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसके अलावा साइटोकाइनिन जो होता है वो पर्ण विस्तार के लिए प्रकाश की आवश्यकता को भी प्रतिस्थापित कर देता है। तीसरा और जो मुख्य इनका प्रभाव है वो है जीर्णता में देरी करना। ये इसी को अपन रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। अपन जानते हैं कि जब पत्तियां परिपक्व हो जाती हैं तो जीर्ण हो जाती हैं और सूखकर पौधे से गिर जाती हैं। जीर्ण अवस्था में पहुंचने से पूर्व जितने भी प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड व लिपिड्स पत्तियों में होते हैं, उन सभी का सबसे पहले विघटन प्रारंभ हो जाता है। साइटोकाइनिन की उपस्थिति में इन कार्बनिक पदार्थों का विघटन देरी से होता है। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन एक अजीर्ण कारक या एंटी सेनिसेंस फैक्टर के रूप में कार्य करता है। साइटोकाइनिन के प्रभाव से जो आरएनएज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी भी घट जाती है। तो आरएनएज जो होता है वो आरएनए का विघटन करता है। जब आरएनए का अपघटन कम हो जाता है, आरएनएज की एक्टिविटी घट जाएगी, तो आरएनए का अपघटन नहीं होगा। तो इसके अलावा जो साइटोकाइनिन है वो आरएनए के संश्लेषण को प्रेरित करेगा। तो एक तरफ उसके विघटन को रोकेगा, एक तरफ उसके नए संश्लेषण को प्रेरित करेगा। तो पत्ती में आरएनए का समुचित स्तर बना रहेगा। जब आरएनए की मात्रा समुचित बनी रहेगी तो सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण भी होगा और जीर्णता की प्रक्रिया धीरे हो जाएगी। एक और जो इसका महत्वपूर्ण रोल है वो है पुष्पन व लिंग अभिव्यक्ति यानी फ्लारिंग और सेक्स एक्सप्रेशन में। इसमें अपन देखते हैं कि सामान्यतः जब साइटोकाइनिन्स को बाहर से प्रयुक्त किया जाता है तो वल्धी पौधों में पुष्पन प्रेरित नहीं होता है, लेकिन कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स जैसे वॉल्फिया है, लेमा है, इनमें लॉन्ग डे की परिस्थितियों में भी साइटोकाइनिन के यदि एप्लीकेशन किया जाए तो पुष्पन प्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार अरेबिडोप्सिस, ये जो अरेबिडोप्सिस है ये लॉन्ग डे प्लांट है, इसमें अपन शॉर्ट डे की कंडीशंस में भी साइटोकाइनिन के उपचार से पुष्पन को प्रेरित कर सकते हैं। साइटोकाइनिन जो है वो पुष्पों में लिंग परिवर्तन का भी कारण है। तो सेक्स एक्सप्रेशन पे कैसे इफेक्ट डालता है, अंगूर के पौधों में साइटोकाइनिन के उपचार से पुष्पों में फीमेल टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा बीज अंकुरण का भी प्रेरण करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होते हैं वो जैसे अपन ने सलाद के बीजों में देखा तो ये अंकुरण को प्रेरित करेंगे, बीजों के अंकुरण को। अनिषेक फलन में भी इनका योगदान है। फलों व बीजों के विकास में साइटोकाइनिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑक्सिन व जिब्रेलिन के समान साइटोकाइनिन जो होते हैं वो भी सीडलेस फ्रूट्स के निर्माण को उद्दीपित करने की क्षमता रखते हैं। और ये सब अपन ने देखा है अंगूर, अंजीर, इनके ऊपर कि इनके ऊपर साइटोकाइनिन डाला तो उनके प्रभाव से बीज रहित फल उत्पन्न होने लगते हैं। और आखिरी जो है वो है संरचना विकासीय प्रभाव। तो इसमें अपन देखते हैं कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है और उनका जो मात्रात्मक संतुलन होता है वो कैलस में जड़ व प्ररोह कलिकाओं के विभेदन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इनके अनुपात से ही ये डिसाइड होता है, ये डिटरमाइन होता है कि जड़ बनेंगी या तना बनेगा या प्ररोह बनेगा। तो जड़ों व कलिकाओं के समारंभन को नियंत्रित करने में ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात एक डिटरमाइनिंग फैक्टर की तरह काम करता है। थैंक यू।